बिहार में पिछले हफ्ते तक जोर शोर से जातीय जनगणना चल रही थी, लेकिन 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जाति आधारित गणना या सर्वेक्षण पर अंतिम रोक लगा दी है और इस पर अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की है। बिहार सरकार ने 9 मई को मामले की सुनवाई करने की अपील की है, जिसे पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और संभवतः 9 मई यानी मंगलवार को इस मामले की फिर सुनवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात जो नज़रअंदाज हो गई है वो ये है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बिहार में जाति आधारित गणना नहीं होने देना चाहते हैं, जिन्होंने जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कोर्ट ने उनकी याचिकाओं में वजन देखा। इसको लेकर हमारे साथी उमेश कुमार राय ने एक बेहतरीन खबर की है, जिसे आप हमारे वेबसाइट mymedia.in पर पढ़ सकते हैं। इस खबर में जो मुख्य बातें निकल कर सामने आई हैं, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। जातिगत सर्वेक्षण के खिलाफ 2 संगठनों और कुछ व्यक्तियों ने याचिकाएँ डाली थी। जिन 2 संगठनों के नाम याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं, उनमें से एक है यूथ फॉर इक्विलिटी और दूसरा है एक सोच एक प्रयास। यूथ फॉर इक्विलिटी एक आरक्षण विरोधी संगठन है जो साल 2006 में अस्तित्व में आया था। इसे IIT, IIM, JNU और कुछ अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के छात्रों ने बनाया था। संस्थापकों में एक अरविंद केजरीवाल भी हैं, जो फिलहाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। यह संगठन कठोर रूप से आरक्षण के खिलाफ है और इसका मोटो है जाति आधारित आरक्षण को ना कहिए। पूर्व में यह संगठन आरक्षण के खिलाफ कई आंदोलन कर चुका है। साल 2019 में कौशल कुमार मिश्रा इस संगठन के अध्यक्ष हुआ करते थे, जो फिलहाल भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं। दूसरा संगठन एक सोच एक प्रयास मुख्य तौर पर दिल्ली का एक NGO है, जो मुख्य रूप से कानूनी मदद मुहैया कराता है। इस संगठन के सचिव अरविंद कुमार हैं, जो खुद भी वकील हैं। उनका मानना है कि जाति आधारित सर्वेक्षण होने के बाद जातियों की संख्या के आंकड़े सार्वजनिक होंगे, जातीय हिंसा बढ़ेगी। वो कहते हैं जिन लोगों को पहले आरक्षण का लाभ मिल चुका है, उन्हें दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और उनकी जगह दूसरे ज़रूरतमंदों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इन 2 संगठनों के अलावा आधा दर्जन से ज़्यादा अन्य लोग हैं जिन्होंने याचिकाएं डाली हैं। इनमें प्रोफेसर, पूर्व नौकरशाह तक शामिल हैं, लेकिन सभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। इन्हीं में से एक है प्रोफेसर मक्खनलाल। वो RSS समर्थक इतिहासकार हैं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ा चुके हैं। वो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के संस्थापक डायरेक्टर थे। फिलहाल वो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में ऑनररी फेलो हैं। ये अपनी दक्षिणपंथी रुझान के लिए जाने जाते हैं और अक्सर मोदी सरकार के समर्थन में खड़े नजर आते हैं। पिछले दिनों जब इतिहास की किताबों से गांधी गोडसे से जुड़े अहम प्रसंगों को हटाने की खबर आई, तो इन्होंने सरकार का समर्थन करते हुए कहा था कि पहले गलत इतिहास पढ़ाया जाता है और अब सही कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत देर हो रहा है। याचिकाकर्ताओं में दूसरा नाम प्रोफेसर कपिल कुमार का है। सेंटर फॉर फ्रीडम स्ट्रगल एंड डायस्पोरा स्टडी के डायरेक्टर हैं। वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय के कई कमेटियों का हिस्सा रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार के ट्विटर अकाउंट उनके भीतर भरे नफरत को उजागर करते हैं। एक ट्वीट में वो लिखते हैं, पहलवान के मुद्दे में शाहीन बाग और कथित किसान आंदोलन जैसी स्थिति क्यों बनने दी जा रही है? अराजकों, गद्दारों, आतंकवादी समर्थकों को वहां क्यों जाने दिया जा रहा है? मोदी जी इसे देखें। उनकी याचिका को लेकर मैं मीडिया ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि देश में जाति व्यवस्था अंग्रेजों ने लाई है। अंग्रेजों से पहले जाति नहीं थी, बल्कि अलग अलग पेशे से जुड़े लोग थे और हमारे समाज का हिस्सा थे। अंग्रेजों ने उन्हें पिछड़ी जाति में डाल दिया। अब फिर से जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के हाथों में खेलने के बराबर है। आगे वो कहते हैं, अंबेडकर ने खुद कहा था कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, मगर इस तरह की जनगणना से वो और बढ़ेगी, इसलिए हमने इसके खिलाफ याचिका दर्ज की है। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी तीसरे याचिकाकर्ता हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं। मुख्य धारा के TV चैनलों के डिबेट में उनकी नियमित मौजूदगी होती है। TV चैनल में उन्हें अक्सर लेखक या विचारक के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन अपने वक्तव्य में अक्सर वो भाजपा के पक्ष में बोलते हैं। मैं मीडिया ने जब उन्हें फ़ोन कर पूछा कि क्या उन्होंने जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, तो उन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया। इसके बाद मैं मीडिया ने याचिकाओं में दर्ज उनके नाम
और अन्य जानकारियों का स्क्रीनशॉट उन्हें व्हाट्सएप पर भेजा, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। दोबारा फोन करने पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। चौथे याचिकाकर्ता डॉक्टर भूरेलाल दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में संयुक्त सचिव रह चुके हैं। वो प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर और कई मंत्रालयों के सचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में भी थे। इन याचिकाकर्ताओं के अलावा एक याचिकाकर्ता ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रही रेशमा प्रसाद भी हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय का जो मामला है वो इन सब मामलों से काफ़ी अलग है, क्योंकि सरकार ने ट्रांसजेंडर को एक अलग जाति बता दिया है इस सर्वे के अंदर। इसको लेकर मैं मीडिया ने पिछले महीने खबर किया था, जिसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। रेशमा कहती हैं कि जाति आधारित सर्वे हो या ना हो, इसको लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनकी आपत्ति इस सर्वेक्षण में उन्हें OBC मानने से है। ट्रांसजेंडर एक वर्ग है जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, उसे सरकार ने जाति आधारित सर्वे में ओबीसी बना दिया है। ट्रांसजेंडर दलित भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं और ऊंची जाति से भी हो सकते हैं, लेकिन सभी को ओबीसी में डाल देना गलत है और ट्रांसजेंडर समुदाय की आपत्ति इसी को लेकर है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो याचिकाएं कोर्ट में डाली गई हैं जाति आधारित सर्वेक्षण के खिलाफ, जो बिहार में इन दिनों चल रहा था, उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं जो इसको नहीं होने देना चाहते हैं कम्प्लीटली। जो ट्रांसजेंडर समुदाय का मामला है वो बिल्कुल अलग है, उनको क्योंकि जाति बता दिया गया है उसके अंदर, तो वो एक अलग मामला है। लेकिन जो लोग कम्प्लीटली इसके खिलाफ हैं, उनमें से ज़्यादातर जो हैं जिनका कनेक्शन आप देख रहे हैं कि BJP और RSS से जाकर जुड़ता है, तो ये जो हमारी खबर है जो हमारी वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं और उसका लिंक कमेंट में डाल दिया गया है, उस खबर में इस तरह की तमाम बातें और आपको डिटेल में मिलेंगी। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।